तो आपने देखा कि मैंने गुलाब के बारे में सारी जानकारी दी। अब एक जानकारी है कि बहुत सारे लोग कहते हैं देखो ये पत्ते जो है ना मेरे इस तरह से सूख रहे हैं, गुलाब के ऐसे हो गए, ये पत्ते नए नहीं आ रहे हैं, नए आते हैं और जैसे कि ये आया और सूख गया, तो उसके पीछे का कारण क्या होता है। देखिए मैंने एक सैंपल ये रखा हुआ है, इसको हमने क्या किया, जैसे कि आप देखते हैं कई लोग बताते हैं इसके अंदर जो है ना हर महीने नीम खली डाल दो, हर 15 दिन में जो है ना सरसों खली डाल दो, तो इस तरह की कंडीशन डाल दो। और दूसरा क्या करते हैं कि पानी रोज, कई जो बड़े बड़े गुलाब के केयर टेकर हैं वो कहते हैं पानी डेली डालिए गुलाब में। तो डेली पानी डालने से क्या होगा, इसकी मिट्टी जो है कुछ इस तरह की गीली रहेगी और गीली मिट्टी में फंगस पनपता है। फंगस कभी भी ऊपर नहीं लगता, एक ऊपर लगने वाला फंगस होता है वो पाउडरी मिल्ड्यू होता है, वो ही लगता है। अदरवाइज जो फंगस आपको लगेगा बाकी वो नुकसान देने वाला फंगस आपको दिखाई नहीं देगा, जैसे कि कोरोना वायरस से हमें दिखाई नहीं देता और सबकी नाक में दम किया हुआ है, इसी तरह फंगस जो है वो पनपता है गीली मिट्टी में। और मिट्टी गीली रहेगी इसकी, लगातार गीली रहेगी, ज़्यादा गीली रहेगी, तो कोई भी पौधा हो वो फंगस पकड़ेगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि इन पौधों में ना तो कोई फर्टिलाइज़र ऐसा यूज़ करना है कि एक ही फर्टिलाइज़र को बार बार आप देते रहेंगे तो उसकी अधिकता की वजह से मिट्टी एसिडिक हो जाएगी। जैसे कि कई लोग DAP डाल देते हैं, कहते हैं हर 15 दिन में हर हफ्ते DAP डालते हैं, जी हर हफ्ते सरसों की खली डाल दी। कई लोग क्या करते हैं कि जो प्याज और लहसुन का जो है उसका बनाते हैं लिक्विड, कहते हैं खाद है, लेकिन खाद नहीं है। प्याज और लहसुन से जो लिक्विड बनाते हो आप वो एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल होता है, तो उसको क्या है कि 3 महीने 6 महीने में कभी एक बार डालना है ताकि आपके गुलाब में फंगस ना लगे। अगर रेगुलर डालने लगे तो जो इसके अंदर बैक्टीरिया था, जो मैं बताता हूँ कि खाद डालते हैं बैक्टीरिया होता है और उसको सिंपलर फॉर्म में तोड़ता है, वो बैक्टीरिया और वायरस जो थे, बैक्टीरिया जीवाणु, वो सब मर जाएंगे। तो इसको फूड देने वाला मतलब ब्रेक डाउन करने वाला कोई नहीं रहेगा और इस तरह से फंगस जो है इसको अपनी चपेट में ले लेगा। जैसे कि हमारी इम्यूनिटी कम है तो कोई भी बीमारी हमें फट से पकड़ लेती है, इवन के सर्दी जुकाम से हम परेशान हो जाते हैं, और इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो इस कोरोना में भी बगैर मास्क के लोग फिर रहे हैं, उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो वो एंटीबॉडी पहले ही बन चुकी है, वो करता ही नहीं मतलब पकड़ता ही नहीं है। तो आपको ये ख्याल रखना है कि रोज़ पानी इसको नहीं देना है। हाँ, गर्मी जून और मई का महीना होता है उसमें डेली पानी चाहिए, क्योंकि हीट ज़्यादा होता है, पानी देते हैं तो वो पानी एब्जॉर्ब मतलब उड़ जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। तो इसका ख्याल रखना है कि अगर गुलाब सही रखना है तो न्यूट्रिशन जो है वो एक ही न्यूट्रिशन को बार बार रिपीट नहीं करना है आपको। लेकिन मैं जो लिक्विड फर्टिलाइजर बोल रहा हूँ हर महीने में, ये क्या है, बैक्टीरिया कल्चर से बना है और इसके अंदर माइक्रो और मल्टी न्यूट्रिशन है, तो इसको आप हर महीने डाल सकते हैं। तो इस तरह से आपकी फ्लावरिंग आएगी और आपका गुलाब नहीं मरेगा। और इस तरह की कंडीशन हो तो आप ये समझ लें कि आपकी मिट्टी जो है वो एसिडिक हो गई है। इसको बचाने का एक ही तरीका है, इस गुलाब को उखाड़ लेंगे बड़े प्यार से और इसकी जड़ें धो करके दूसरी जो सिंपल मिट्टी है उसमें खाद मिला के और लगा देंगे। इसके बाद एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन अभी कोई नहीं देंगे जब तक कि ये पनप ना जाए, खाने लायक ना हो जाए। अभी तो बीमार है, बीमार होता तो हम दलिया खिचड़ी खाते हैं, तो दलिया खिचड़ी के तौर पर ही इसको हमें खाना देना है। जब ये अपना फिर सही रूप में आए तब कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र या कोई भी फर्टिलाइज़र तब देना है, एकदम से नहीं देना है आपको। तो उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और सभी की जो तृष्णाएँ हैं इस बारे में, गुलाब के बारे में, वो शांत हो गई होंगी। फिर भी नहीं होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या मेरे फ़ोन नंबर पे भी व्हाट्सएप करके।